नमस्कार, आप देख रहे हैं सिटी न्यूज मुजफ्फरपुर। मैं सेजल आप सभी दर्शकों का स्वागत करती हूं। खबरों की शुरुआत करने से पहले आइए नजर डालते हैं आज के मुख्य समाचारों। हेडलाइंस के प्रायोजक हैं विकास कलेक्शन शोरूम। मिठनपुरा थाना क्षेत्र के शिवशंकर पथ में आवारा कुत्तों ने 2.5 साल की मासूम की ली जान। नगर थाना क्षेत्र के टावर चौक पर शनिवार की रात QRT के जवान बनकर व्यापारी से लूटे 45,000 रुपए। शनिवार देर रात हुई भारी बारिश ने मुजफ्फरपुर स्मार्ट सिटी को किया पानी पानी। तो ये थी आज की मुख्य समाचारें। अब खबरें विस्तार से। मिठनपुरा थाना क्षेत्र के शिवशंकर पथ मोहल्ले में आवारा कुत्तों ने 2.5 साल की मासूम बच्ची की जान ले ली। एक 2.5 साल की मासूम बच्ची की आवारा कुत्तों ने ले ली जान। नन्ही पड़ी की माँ के सामने ही कुत्तों ने ले ली जान। शहर के मिठनपुरा थाना क्षेत्र के शिवशंकर पथ के गली निवासी अनिल कुमार महतो की 2.5 साल की मासूम को आवारा कुत्तों ने माँ की गोद से छीनकर गंभीर रूप में जख्मी कर दिया, जिसने इलाज के क्रम में ही अपना दम तोड़ दिया। यह घटना मिठनपुरा थाना क्षेत्र की शिवशंकर पद गली का बताया जा रहा है। इस घटना के बाद पूरे मोहल्ले में सन्नाटा फैल गया और ये घटना शनिवार को दिन दहाड़े दोपहर की बताई जा रही है, जहां पर आवारा कुत्तों ने अपना शिकार एक मासूम बच्ची को बना डाला। घटना के बाद घर में कोहराम और मातम छा गया है। इस घटना के बाद स्थानीय लोगों में निगम प्रशासन के खिलाफ नाराजगी व्याप्त है। तो वहीं पर स्थानीय निवासी मोहम्मद नौशीद ने बताया कि अगर समय रहते नगर निगम प्रशासन सजग होती तो शायद मासूम बच्चे की जान नहीं जाती। और वहीं नगर निगम प्रशासन के द्वारा लगातार आवारा पशुओं और आवारा कुत्तों को धर पकड़ के की कार्यवाही की जाने के अभियान में भी अब महज खोखला साबित हो गया है। और ये ताजा मामला मुजफ्फरपुर का है, जहाँ मासूम बच्ची एंजल को कुत्तों ने नोच कर घायल कर दिया, इलाज के दौरान मौत हो गई। घटना को लेकर बताया जा रहा है कि मासूम अपनी मां के साथ पास के बाजार में सामान खरीदने गई थी, तभी कुत्तों ने हमला बोल दिया और मां की गोद से उस मासूम को गंभीर रूप से जख्मी कर दिया। इस घटना के बाद से नगर निगम मुजफ्फरपुर प्रशासन की कार्यवाही पर एक बार फिर से सवाल खड़े हुए हैं। अरे कल मम्मी के साथ दुकान जा रही थी, उसी रोड में दो कुत्ता आके उसको मम्मी के अति गोदी में से खींच के वो गर्दन पकड़ के गर्दन यहाँ फोड़ दी। उसके बाद हॉस्पिटल ले गए, था मेडिकल में डेट कर गए। कहाँ पर गए थे? पहले प्रशांत में गए थे, तो वहाँ रेफर कर दिया मेडिकल। कब गए थे बाजार? अभी 10 बजे का घटना है। मम्मी उसको गोद में ली। हाँ, गोद से कुत्ता थी। हाँ, क्या था हाथ में वगैरह में? कुछ था? कुछ नहीं था, दुकान जाइए रही थी। इसी दौरान कितनी उम्र थी बच्चे की? 2.5 साल। माँ को भी काटा है? ना, माँ को नहीं काटा है। क्या नाम था लड़की का? एंजल कुमारी। कहाँ पढ़ती थी? पढ़ती थी अभी नहीं, अभी थोड़ा सा बहुत पढ़ाई। घड़े में बैठा के पढ़ाती थी बस। कितनी परेशानी हो रही है? परेशानी तो अब परेशानी जो आता है वो तो सब का जिस तरीके से घटना हुआ उसका क्या कहेंगे? अब कुत्ता कहाँ से आया कहाँ से गया वो भी किसी को पता नहीं। इस तरीके से घटना हुई है। हाँ, और कुत्तों का जो आतंक बना हुआ है, वो आतंक कुत्ता का इतना आतंक बढ़ गया है कि जिधर जाइए तिधर आदमी अकेले किधर निकल नहीं सकता है। ये हाल हो गया है कुत्ता का, इतना लबारिश कुत्ता हो गया है जब मत पूछिए। वो आतंक एक जमाने से आ रहा है, इसकी सूचना हमेशा लिखित रूप में आंदोलन में नगर आयुक्त को नगर प्रशासक को हमेशा बताया गया है, लेकिन ये लोग सिर्फ और सिर्फ मुजफ्फरपुर के नागरिकों को लूटने की कोशिश करते हैं इस टैक्स के नाम पे, उस टैक्स के नाम पे, लेकिन कभी भी आवारा कुत्ता पर या चाहे आवारा पशुओं पर कोई भी अंकुश नहीं लगाया गया। इनको सिर्फ अपना जेब भरना है। आज वो 2.5 साल की बच्ची
इस दुनिया से फानी हो गई, उस माँ पे क्या बीतता होगा। अगर कहीं नगर आयुक्त महोदय या चाहे प्रशासक वहाँ के या नगर निगम के तमाम विभाग के लोग अगर कि इस पे एक्टिव होते तो आज वो बच्ची जीवित होती, आज उस माँ का गोद सुना नहीं होता। लेकिन इन लोगों को आवाम की सुविधा से मतलब नहीं है, इनको आवाम की समस्या से मतलब नहीं है, इनको सिर्फ और सिर्फ उगाही करने से मतलब है और लोगों को शोषण करने से मतलब है। हम तो कहते हैं कि आज से 2 साल पहले आपको मालूम होना चाहिए कि सदर हॉस्पिटल मेडिकल में अनेकों लोग रोज जाते थे सुई दिलाने के लिए इसी आवारा कुत्ता के कारण। उस समय भी आज एक्टिव होता, आज ये बच्चे की जान बन जाती। हम लोग को इतना दुख है कि हम बयां नहीं कर सकते। वो 2.5 साल की बच्ची उस माँ के गोद में आवारा कुत्ता जंप मार के उसको काट लिया। क्या नगर आयुक्त को नहीं दिख रहा इस पे? क्या प्रशासक को नहीं दिख रहा है? कौन लाके देगा उसकी माँ, उसकी गोद को कौन भरेगा? शनिवार की देर शाम सरयागंज चौक पर QRT के जवान बताकर एक व्यापारी से 45,000 रुपए लूट लिए। नगर थाना क्षेत्र के सरयागंज टावर चौक इलाके में नेल पॉलिश कारोबारी से खुद को QRT का जवान बताकर 47,300 की छिनाई की। मौके पर कारोबारी विजय कुमार ने शोर मचाया, तभी स्थानीय लोगों की भीड़ जुटी, मगर बदमाश भाग निकले। सूचना मिलने पर नगर थाने की पुलिस मौके पर पहुंचकर छानबीन की। आसपास में लगे CCTV फुटेज को पुलिस ने खंगाला। अंधेरा होने की वजह से कुछ स्पष्ट नहीं पता चला। पुलिस को कारोबारी विजय कुमार ने बताया कि वह अपने घर परती टोला से दरभंगा धंधे से जुड़े कारोबारियों से तगादा करने के लिए गए थे। दरभंगा से बस पकड़ कर वह 0 माइल पहुँचे, ऑटो से सरयागंज टावर पहुंचे। यहां से वो पैदल अपने घर गोला रोड स्थित परती टोला जा रहे थे। इसी बीच 2 बाइक सवार युवक उनके पास आ गए और डांटते हुए कहा कि बैग में क्या है। दूसरे ने कहा कि इसकी तलाशी लो। दोनों खुद को QRT का जवान बताए। दोनों ने बैग की तलाशी ली। वहां अंधेरा था, तलाशी लेकर बैग दे दिया। इसके बाद बैग देखा तो बैग में रुपए नहीं थे। पुलिस पीड़ित कारोबारी को अपने साथ लेकर मामले की छानबीन कर रही है। नगर थाना अध्यक्ष अनिल कुमार सिंह ने बताया कि मामले की छानबीन की जा रही है। टावर से सीधे वहाँ तक हम चले गए, तो आदमी बोला क्या कि हम आपको आवाज़ दे रहे हैं, आया नहीं रहे, कौन आपको साहब बुला रहे हैं, कौन साहब QRT वाले हमें कहा है कि आपको बुला रहे हैं, आप टीवी भागे जा रहे हैं क्यों, क्या बात है? नहीं चलिए वहाँ बुला रहे हैं, आप क्या करते हैं बताए कि हम लोग अलता का काम करते हैं, आपके बैग में क्या है? हमें कुछ नहीं, सही सही बोलो, हम लोग व्यापारी हैं, सामान वाम अलता उलता बेचते हैं, आधा करके आ रहे हैं, देखा बैग चेक करा, तो बैग चेक करा दिए। कहाँ पे उसका बाइक कहाँ लगा हुआ? अच्छा ये जगह पे बाइक लगाए हुआ था, एक इधर तक खड़ा, एक हमको वहाँ से पकड़ के लाया कि आपको साहब बुला रहे हैं, कहिए आगे बुला रहे हैं, भागे जाना कहे थे जिस इतना वो जा रहे घर, क्या है आपके बैग में, कुछ नहीं, क्या काम करते हैं? हम लोग व्यापारी है, बाहर से तगादा करते हैं, कहाँ से हम वह भी दरभंगा खा रहे हैं, समझे मनियारी थाना क्षेत्र के एक गांव में नाबालिग के साथ सामूहिक दुष्कर्म की गई। पुलिस ने 3 आरोपियों को गिरफ्तार कर लिया है। जिले में एक नाबालिग लड़की के साथ सामूहिक रूप से दुष्कर्म का मामला सामने आया है, जिसके बाद पुलिस ने मामले में अविलंब कार्रवाई को करते हुए पीड़िता के बयान के आधार पर कार्रवाई करते हुए सभी आरोपी को गिरफ्तार कर लिया है। मामला जिले के मनियारी थाना क्षेत्र की बताई गई है। दरअसल स्कूल के पास में गई एक नाबालिग छात्रा को पड़ोस के 3 युवकों ने पकड़ गैंग रेप कर दिया है और उसे बेहोशी की हालत में छोड़कर इस वारदात को अंजाम देने के बाद मौके पर से फरार हो गए। इस घटना की जानकारी पर सनसनी फैल गई है, जिसके बाद सूचना मिलते ही मौके पर पहुंची पुलिस ने पीड़िता को इलाज के लिए अस्पताल में भर्ती करा दिया है और पूरे मामले में आगे की कार्रवाई करते हुए पीड़िता बच्ची के बयान के आधार पर सभी आरोपी को गिरफ्तार कर लिया है और अब आगे की कार्रवाई की जा रही है। घटना जिले के मनियारी थाना क्षेत्र के एक गांव की बताई गई है। मामले में पीड़िता नाबालिग बच्ची की मां ने बताया कि देर शाम को बच्ची पास में शौच करने के लिए गई हुई थी, तभी पास के फरीक और रिक्शे वाले बच्ची को पकड़ और उसके साथ में दुष्कर्म कर दिया। उसे बेहोशी की हालत में अकेला छोड़कर मौके पर से फरार हो गए। गांव के लोगों के द्वारा इस मामले में बेटी के बेहोश होने की जानकारी मिली थी और तब जाकर उसको लाया गया, जिसके बाद हम इसकी सूचना पुलिस को दिए।
घटना को अंजाम देने वाले सभी आरोपी पास के ही रहने वाले हैं। वहाँ को गोतिया था पटदार में। पटदार में हाँ। ये कब मालूम चला आप लोग को कि लड़की कहाँ है, किस अवस्था में है? 7 बजे में निकली थी, 8 बजे में हम सब खोज में निकले थे, तो वो तो हम सब खोजते ही रहे, तो दूसरा आदमी ने फोन किया से तुम्हारा बच्चा कहाँ है। हम कहे हमको बच्चा तो पितियान सके जोड़े गया है अथी में लेटरी में, तो बोलो नहीं इससे तुम्हारा बच्चा यहाँ बेहोशी है, आके ले जाइए। कहाँ पे बेहोश? हाँ स्कूल के बगल में स्कूल तो, ना लेटरिन कर गए थे बाहर। यहाँ सबके साथ गई थी? वो चाची थी, वो दादी थी, सगारू बढ़ गई बस इसको पीछे पकड़ लिया तीन गो लफुआ वही जा बैठला हमको दे, और दूगो है एगो जाऊत भी लगेगा वही पकड़ लिया मुझात के उसका ले गया। एक गोटा देखता था और दू गोटा बीरी बीरी खूब कह ले। बेटी को जब बेटी जब आपको मिली उस वक्त तो मतलब बेहोशी की हालत में थी? हाँ बाद में बताई कि कौन? हाँ बाद में बताई से करण था और गौतम था। भाजपा अति पिछड़ा प्रकोष्ठ के जिला अध्यक्ष भगवान लाल महतो ने महापौर के चुनाव के लिए ऐलान किया। भाजपा अति पिछड़ा प्रकोष्ठ के जिला अध्यक्ष भगवान लाल महतो ने रविवार को अपने आवास पर प्रेस वार्ता का आयोजन कर ऐलान किया कि वह इस वर्ष नगर निगम के महापौर पद का चुनाव लड़ेंगे। शहर की समस्याओं को देखते हुए उन्होंने यह निर्णय लिया है कि इस वर्ष पहली बार जनता के वोटों से महापौर चुने जाएंगे। इससे पहले वार्ड पार्षद महापौर चुनते थे। भगवान लाल महतो ने कहा कि नगर निगम में भ्रष्टाचार चरम सीमा पर है। हम लोगों ने देखा कि किस तरह महापौर के चुनाव में खरीद फरोख्त का बाजार गर्म रहा, बार बार रुपए के लिए महापौर की कुर्सी बदलती रही। सरकार का डायरेक्ट चुनाव का फैसला सराहनीय है। उन्होंने चुनाव में आने का कारण और लक्ष्य को बताया। उन्होंने बताया कि जब वह जीतेंगे तो किस तरह शहर का विकास करेंगे। उसमें आम जनता की ओर से, आम जनता मालिक की ओर से जो प्रेरणा हम मिलती रहती है बराबर, उसी प्रेरणा के तहत हमने भी निर्णय लिया इस बार महापौर के प्रत्याशी के रूप में उतरने के लिए। देखिए पहली बार जनता मालिक के द्वारा जनता के वोट से मेयर का चुनाव होना है। उस चुनाव में मुझ जैसा एक निर्बल कार्यकर्ता भी ये फैसला लिया, क्योंकि हमारा जो आदर्श है, हमारे आदरणीय प्रधानमंत्री नरेंद्र भाई मोदी का मूल मंत्र है सबका साथ सबका विकास सबका विश्वास और सबका प्रयास। उसी मूल मंत्र के साथ हमने भी निर्णय लिया है कि भाई महापौर का उम्मीदवारी के लिए हम भी उतरना चाहिए। क्योंकि देखिए निगम में जो भ्रष्टाचार का फैक्ट्री जो चल रहा है, जो संचालित है विगत 15 वर्षों से, जब से निगम स्थापना हुआ 2002 में, 2002 से लेकर 2007 के बीच का जो कार्यकाल रहा, जिस समय समीर कुमार जी महापौर हुआ करते थे, तो वो 5 साल ठीक चला। 2002 से 7 तक समीर कुमार जी के नेतृत्व में निगम ठीक ठाक चला। 2007 के बाद से जो उसमें लूट खसोट चला, खरीद बिक्री, पार्षद को धर पकड़ करके मेयर को बनाना, कभी उसको गिराना, कभी उसको उठाना, कभी उसको बैठाना, कभी उसको उठाना, यह प्रक्रिया चलता रहा। इस बार पहली बार मुजफ्फरपुर में चुनाव आयोग ने यह फैसला लिया है कि जनता के द्वारा महापौर का उम्मीदवार चुना जाएगा। अब जनता के सामने विकल्प है, अब जनता तय करेगी कि कौन सा उम्मीदवार को हमको वोट देना है, कौन सा उम्मीदवार हमारे लिए सुलभ और सरल रहेगा, जो हर जगह उपलब्ध रहेगा। हमको यदि जनता मौका देती है इस चुनाव में, तो मैं सबसे पहले निगम में जो भ्रष्टाचार की फैक्ट्री है पहले उसको बंद करवाऊंगा। जो मुजफ्फरपुर शहर के लोग जो जल जमाव की समस्या से बरसों से जो दंश झेल रहे हैं, उसके लिए हमने फैसला लिया है सबसे पहले हम उसका करेंगे क्या कि जो स्टॉर्म वाटर ड्रेनेज सिस्टम और STP ये इसका निर्माण करा करके जल जमाव की समस्या से सदा के लिए मुक्ति मिलेगी और उसका स्थायी समाधान हम करवाएंगे। दूसरा समस्या है इस शहर में पानी का जो समस्या है, तो पानी बहुत से गरीब परिवार के घरों में पानी नहीं पहुंचा है।
अब पानी पहुंचा नहीं है, वहां से कूड़ा उठ नहीं हो रहा है, नियमित सफाई नहीं हो रही है, पानी का आप टैक्स ले रहे हैं, कूड़ा का टैक्स ले रहे हैं भाई, यूजर चार्ज ले रहे हैं, पानी का चार्ज ले रहे हैं। तो मैं मुजफ्फरपुर की जनता को ये भरोसा दिलाता हूँ कि जब तक हर घर में हम पानी नहीं पहुँचाएंगे, हर घर से हम कूड़ा का उठाव नहीं करेंगे, तब तक हम इस सब किसी प्रकार का कोई टैक्स नहीं लेंगे। तीसरा है, आम 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 गरीब गुरबा जो है यहाँ के है, जो फुटपाथ पर जो दुकान लगाते हैं उनको उजाड़ा जाता है। उजाड़ने के पहले निगम के पास जमीन जो है सभी क्षेत्रों में है और बड़ी बड़ी संख्या में बड़ा बड़ा प्लॉट है। हम उन गरीब फुटपाथी दुकानदारों के लिए हम जो है वेंडर जोन का निर्माण कराएंगे और उन सारे गरीबों को प्राथमिकता के आधार पर सबको उसमें हम दुकान आवंटित करेंगे कि ताकि गरीब लोग भी अपने मान सम्मान और इज्जत के साथ अपना व्यापार शुरू करें। जो दावा गया के विष्णुपथ मंदिर मुद्दे को लेकर विश्व सनातन सेना के सदस्यों ने मुख्यमंत्री नीतीश कुमार और मंत्री इंजराइल मंसूरी का पुतला जलाया। विश्व सनातन सेना की ओर से रविवार को पानी टंकी चौक पर मुख्यमंत्री नीतीश कुमार और सूचना एवं प्रौद्योगिकी मंत्री इजराइल मंसूरी का पुतला दहन किया गया। अनिल कुमार ने कहा कि कुछ दिनों पूर्व मुख्यमंत्री नीतीश कुमार गया के सुप्रसिद्ध विष्णुपद मंदिर में पूजा अर्चना करने गए थे। इस दौरान उनके साथ मंत्री इजराइल मंसूरी भी उनके साथ मंदिर में प्रवेश कर गए, जबकि मंदिर के मुख्य द्वार पर दोनों तरफ लिखा हुआ है कि मंदिर में अहिंदू प्रवेश वर्जित है। बावजूद इसके जानबूझकर उनके द्वारा मंदिर को अपवित्र किया गया। इसी से दुखित होकर आज विश्व सनातन सेना के मुख्यमंत्री नीतीश कुमार और मंत्री इजराइल मंसूरी का पुतला दहन किया है। हम लोगों की मांग है कि वो पूरे हिंदू धर्म से इस गलती की माफी मांगे और इस्तीफा दे, साथ ही हिमालय जाकर इस गलती की प्रायश्चित करें। के मुख्यमंत्री एवं कांटी विधायक इजराइल मंसूरी जी का पुतला दहन किया गया। बीते कुछ दिनों पहले विष्णुपद मंदिर को अपवित्र किया गया, जहां गैर हिंदू का प्रवेश वर्जित है एवं नीतीश कुमार ने अपने बल के तहत इजराइल मंसूरी को मंदिर में प्रवेश करवाकर मंदिर को अशुद्ध कर महापाप किया है। हम ये मांग करते हैं कि नीतीश कुमार एवं इजराइल मंसूरी इस्तीफा दे और विगत 5 वर्षों तक हिमालय में जाकर इस महापाप का प्रायश्चित करें और समस्त हिंदू समाज से माफी मांगे। शनिवार की देर शाम भाद्रपद अमावस्या को लेकर रामगढ़ परिवार द्वारा बाबा गरीबनाथ का महाश्रृंगार किया गया। भाद्रपद अमावस्या के अवसर पर शनिवार की देर संध्या में गरीबनाथ मंदिर में बाबा गरीबनाथ सेवा दल रामगढ़ परिवार की ओर से दल के संरक्षक अनुराग पाठक और डाबर बाबा द्वारा बाबा गरीबनाथ का फल और फूल से महाश्रृंगार किया गया। इस दौरान सेवा दल के सदस्यों ने विभिन्न प्रकार के थाप, ढोल, मृदंग आदि से बाबा गरीबनाथ का आवाहन किया। वहीं महाश्रृंगार और महाआरती कर भक्तों के बीच महाप्रसाद का भी वितरण किया गया। महाश्रृंगार के दौरान बाबा गरीबनाथ के जय जयकारों से पूरा माहौल भक्तिमय हो गया। अमावस्या पर बाबा गरीबनाथ सेवा दल रामगढ़ परिवार के द्वारा हर अमावस्या के प्रयासों फल फूलों से महाश्रृंगार करवाया गया। किसके द्वारा? डावर बाबा के द्वारा महाश्रृंगार। डावर बाबा मानता हम लोग के संरक्षक अनुराग पाठक जी के द्वारा भव्य श्रृंगार का आयोजन किया गया था। AISF संगठन के 18वें जिला सम्मेलन में विश्वविद्यालय के समस्याओं पर वक्ताओं ने अपनी अपनी राय रखी। AISF ने रविवार को संगठन का 18वां जिला सम्मेलन मनाया। इस अवसर पर छात्र आंदोलन की स्थिति विषय पर सेमिनार का आयोजन हुआ। सेमिनार को संबोधित करते हुए वक्ताओं ने विश्वविद्यालय की लेट सेशन से छात्रों को होने वाले समस्या पर विस्तार से अपनी राय रखी। जिला सचिव कंचन कुमार ने बताया कि विश्वविद्यालय में अराजकता का माहौल है, छात्रों की समस्याएं अधिक है लेकिन उसे सुनने वाला कोई नहीं है। AISF लगातार छात्रों की समस्याओं को उठा रही है। हम लोग इस सम्मेलन और सेमिनार के माध्यम से आंदोलन की रूपरेखा तैयार कर छात्रों की समस्या पर आंदोलन करेंगे। वहीं विश्वविद्यालय की भी जो समस्या है उसे भी ध्यान में रखते हुए हम लोगों आंदोलन होगा। AISF पूरे देश में लगातार छात्र हित के लिए काम कर रही है। दूसरे जो भी संगठन है जब उनकी सरकार बनती है तो वह चुप हो जाते हैं, लेकिन AISF ही एकमात्र ऐसा छात्र संघ है जो सरकार बनने के बाद भी छात्रों की समस्या को उठाती रहती है। आज AISF का 18वां जिला सम्मेलन रामदेव शर्मा सभागार चंद्रशेखर भवन मुजफ्फरपुर में संपन्न हुआ, जिसमें कॉमरेड महिपाल को
जिलाध्यक्ष कॉमरेड कंचन, सचिव कॉमरेड अभिषेक को कोषाध्यक्ष, तो वहीं अमरनाथ और शिवानी को उपाध्यक्ष और इफ्तिखार और इफ्तिखार को सचिव बनाया गया। ये सम्मेलन अपने पूरा करेगा। ये सम्मेलन आगे की रणनीति को ध्यान में रखकर किया गया है। हम लोग आगे विश्वविद्यालय पे किस तरीके से कार्यक्रम करें, आंदोलन को आगे किस तरीके से बढ़ाया जाए, ये सारी चीज़ें आप लोगों को कुछ दिनों में दिखेगा। और ये सम्मेलन एक नया उद्देश्य को प्राप्ति किया है। आज AISF को हर बुलंदी को पार करने की कोशिश करेगा जो कभी भगत सिंह, सुखदेव, चे गेवरा क्या कहा करते थे। छात्र संगठन जो 1936 में बना और 2022 में लगभग हम लोग 86 वर्ष पूरा किए, इसी कड़ी में मुजफ्फरपुर का ये 18वां जिला सम्मेलन हम लोग इस उद्देश्य के साथ आज समापन हुआ है कि कॉलेज में जो अराजकता है या फिर सेशन जो लेट चलता है या फिर छात्रों का जो विभिन्न जो समस्या है उन समस्याओं को लेकर के मुकम्मल एक मजबूत लड़ाई आने वाले समय में विद्यार्थियों का जो लड़ाई है, जो सवाल है, इस लड़ाई को लेकर के संघर्ष को तेज किया जाए और राज्य सरकार और केंद्र सरकार के द्वारा जो लगातार युवाओं के साथ जो छलावा किया जा रहा है, धोखा किया जा रहा है रोजगार के नाम पर, इन तमाम सवाल को लेकर के जो है हम लोग आने वाले समय में विद्यार्थियों को बिहार ही नहीं देशभर में गोलबंद करके जो है सरकार के खिलाफ उस लड़ाई को लड़ा जाए, इसके लिए ये सम्मेलन है। आप जानते हैं, हम ये बात को दावा के साथ कर सकते हैं, ऑल इंडिया स्टूडेंट फेडरेशन देश का एकमात्र ऐसा संगठन है जो सरकार किसी का हो या किसी भी राज्य में या देश में, वो हमेशा छात्र के सवाल को लेकर के चला है। और आने वाले समय में महागठबंधन को जो नई सरकार बनी है, इस सरकार के द्वारा जो माननीय नीतीश कुमार जी के द्वारा 15 अगस्त को गांधी मैदान से जो घोषणा किया गया कि 10 लाख रोज नौकरी तो देंगे ही देंगे, इसके अलावा जो 20 और 10 लाख रोजगार की उन्होंने बात कही है, इन सवाल को लेकर के AISF आने वाले समय में अगर युवाओं के साथ अगर वो छलावा करने का कोशिश भी करता है तो ऑल इंडिया स्टूडेंट फेडरेशन इसका मुखालफत करेगा और उनके खिलाफ चरमपंथी आंदोलन को तेज करेगा। आज ऑल इंडिया स्टूडेंट फेडरेशन ये एकमात्र संगठन है जो पूरे देश भर में सरकार के आँख में आँख डाल करके छात्र हित की बात कर सकता है, बाकी जो भी छात्र संगठन है राज्य और देश के। अब वक्त हो चला एक छोटे से ब्रेक का, बने रहिए हमारे साथ सिटी न्यूज मुजफ्फरपुर। जिले की शान बन चुकी बाबा लहठी अब लोगों की जरूरत बन चुकी है। अत्याधुनिक रेंज और भरोसे को समेटे हुए लोगों के लिए नई नई डिजाइनर लहठी उतारते रहते हैं। ऐश्वर्या राय बच्चन, सचिन तेंदुलकर की पत्नी से लेकर न जाने कितने सारे नामी हस्तियां इस लहठी के दीवाने हो चुके हैं। लोगों के साथ ने ही बाबा लहठी की पहचान देश से लेकर विदेश तक बनाई है। ऐसा साथ बनाए रखने के लिए आप लोगों का तहे दिल से धन्यवाद। कहते हैं कि मंजिल उन्हीं को मिलती है जिनके सपनों में जान होती है। पंखों से कुछ नहीं होता, हौसलों से उड़ान होती है। तो अगर आप में भी है जज्बा कुछ कर दिखाने का, अगर आपके अंदर भी है एक जीनियस, अगर आप भी छूना चाहते हैं आसमान की ऊंचाइयों को, क्रैक करना चाहते हैं IIT JEE, एम्स, नीट, NTSC, KVPY या फिर ओलंपियाड, तो आपके हौसलों को उड़ान देने के लिए है जीनियस क्लासेस। जी हाँ, सही सुना आपने, जीनियस क्लासेस फॉर IIT JEE, एम्स, नीट, NTSC, KVPY, ओलंपियाड फॉर 8th, 9th, 10th, 11th, 12th एंड टारगेट। अपने बेहतरीन सक्सेस रिकॉर्ड के साथ सफलता की नई ऊंचाइयां गढ़ रहा है जीनियस क्लासेस। तो माय डियर स्टूडेंट्स, 8th, 9th, 10th, 11th, 12th एंड टारगेट के लिए नए बैचेस शुरू होने वाले हैं जीनियस क्लासेस में, जहां है सेपरेट हॉस्टल फॉर बॉयज एंड गर्ल्स। जल्दी से पता नोट करें, जीनियस क्लासेस स्टडी सेंटर, पंकज मार्केट, सरैयागंज, मुजफ्फरपुर। अधिक जानकारी के लिए कॉल करें 7635091378 या फिर 7635091387 या फिर आप कॉल कर सकते हैं 7635091396 या 9006911690 पर या फिर 9128482268। जीनियस क्लासेस,
For more information, visit our website www.geniusclasses.in or email us on info@geniusclasses.in. Registrations are open and new batches are starting soon. Rush to Genius Classes, Study Center, Pankaj Market, Saraiyaganj, Muzaffarpur. अपने सपनों के आशियाओं को दे एक नई पहचान माँ भवानी डेकोर प्राइवेट लिमिटेड के साथ, जो है ऑथराइज डिस्ट्रीब्यूटर ऑफ कजारिया। देश की मिट्टी से बनी टाइल से देश को बनाते हैं। और जहाँ मिलती है सभी प्रकार के इंडियन एंड इम्पोर्टेड ग्रेनाइट, मार्बल, सैनिटरी एवं कोटा स्टोन का अनोखा एवं आकर्षक संग्रह। माँ भवानी डेकोर प्राइवेट लिमिटेड, मतलब अ कंप्लीट फ्लोर सॉल्यूशंस। न्यू 0 माइल दादर रोड मुजफ्फरपुर, कॉल 9934753111। आपका भरपूर प्यार और साथ मिलने के कारण ग्राहकों की सुविधा को देखते हुए नीलकमल का फैक्ट्री आउटलेट का दूसरा ब्रांच अखाड़ा घाट रोड KFC के सामने खुल गया है, जिसमें ग्राहकों को सभी प्रोडक्ट पर विशेष छूट दी जा रही है। वहीं नीलकमल का पहला ब्रांच मिठनपुरा नारायणपुर रोड वैशाली मैनेजमेंट के सामने है, जो कि लगातार ग्राहकों की सेवा करता आ रहा है। उत्तर बिहार का पहला एक्सक्लूसिव शोरूम है, जहां ऑफिस फर्नीचर और होम फर्नीचर की सभी रेंज उपलब्ध है, तो एक बार सेवा करने का मौका जरूर दें। पहला ब्रांच मिठनपुरा नारायणपुर रोड और दूसरा ब्रांच अखाड़ा घाट रोड। हमारा मोबाइल नंबर है 9334900888 और 7004320580। नीलकमल का एक्सक्लूसिव शोरूम, जो पहले से मिठनपुरा नारायणपुर रोड में अपोजिट वैशाली रूरल मैनेजमेंट में चला आ रहा है, वहाँ पे हमें आप लोगों का बहुत सारा प्यार मिला और इसीलिए हम लोगों ने अपना दूसरा ब्रांच सार्थक सेल्स एंड मार्केटिंग के जॉइंट वेंचर से अखाड़ा घाट रोड में KFC के सामने कृष्णा टॉकीज के बगल में सुविधा कॉम्प्लेक्स में हम लोगों ने खोला है, जो कि कंपनी का फैक्ट्री आउटलेट है, जहाँ नीलकमल के विस्तृत रेंज आपको 40% तक के डिस्काउंट पे मिलेंगे और मैट्रेस का भी एक विस्तृत रेंज है। और आप लोगों से निवेदन है कि एक बार आप पधारें और इस दुकान की जो सबसे अच्छी विशेषता है कि उधार चालू है, तो HDFC और बजाज के माध्यम से आपको फिनांस की भी सुविधा है, आप अपने घरों को फिर से बहुत अच्छे से सजा सकते हैं। ST इंटरनेशनल स्कूल, इफ यू वांट टू गिव योर चाइल्ड अ स्ट्रांग फाउंडेशन, द स्कूल ऑफ योर ड्रीम, प्ले टू 10th बेस्ड ऑन CBSE करिकुलम। हमारे यहाँ अनुभवी एवं प्रशिक्षित शिक्षकों द्वारा बच्चों के देखभाल के साथ स्मार्ट क्लास द्वारा शिक्षण की सुविधा है। कक्षा 1 से 10 तक कंप्यूटर की मुफ्त शिक्षा के अलावे छात्र एवं छात्राओं के संगीत तथा नृत्य की शिक्षा की भी व्यवस्था है। पूरा स्कूल CCTV कैमरे से लैस है। स्कूल में बच्चों का नामांकन फ्री किया गया है। हमारे यहाँ अपने बच्चों के उज्जवल भविष्य के लिए जरूर पधारे। हमारा पता है बांध रोड शेखपुर अखाड़ा घाट मुजफ्फरपुर। आवर कॉन्टैक्ट नंबर इज 8757652616 एंड 9955132616। हमारे स्कूल का कुछ मेन फीचर्स है, जैसे बच्चों की देखभाल करना, हमारे यहाँ पुस्तकालय वगैरह की पूरी अच्छे तरीके से व्यवस्था है, क्लासरूम सारा बना हुआ है, CCTV कैमरे से हमारा क्लासरूम डेकोरेटेड है, सिक्योरिटी के भी विजन से हमारा क्लासरूम बहुत प्रोटेक्टेड है। हमारे यहाँ जो भी शिक्षक शिक्षिकाएं आई हैं पढ़ाने के लिए, वो काफ़ी वेल एडुकेटेड हैं और वेल वर्स्ड भी हैं। हमारा विद्यालय भी चारों तरफ से बना हुआ है, हमारे यहाँ लैब बहुत अच्छे से बना हुआ है, कंप्यूटर की फ्री शिक्षा हम इस बार इसको दे रहे हैं, हमारे यहाँ नामांकन प्रारंभ है। फैशन की दुनिया में कदम से कदम मिलाकर चलना चाहते हैं, वो भी कम बजट में, तो एक बार जरूर जाएं मोती झील पूजा बाजार स्थित विकास कलेक्शन शोरूम में। यहाँ रिमन, पार्क, US पोलो, मुफ्ती शर्ट, ब्लैक बैडी के एक्सक्लूसिव रेंज उपलब्ध हैं। इसके अलावा सियाराम की कोट पैंट, ब्लेजर और शेरवानी भी उपलब्ध है। सभी ब्रांड में एक पीस के खरीद पर 20% तथा दो पीस के खरीद पर 30% की विशेष छूट दी गई है, तो हमारे यहाँ एक बार अवश्य पधारे। हमारा पता है विकास कलेक्शन BV कॉलेज स्कूल के अपोजिट पूजा बाजार मोती झील। हमारा संपर्क नंबर है 9835104722।
हाँ पहले आप लोग का नमस्कार। मेरे यहाँ विकास गारमेंट जो पूजा मार्केट मोतीझील में है, लगन के शुभ अवसर के लिए कोट पैंट ब्लेजर विंटर के जैकेट स्वेटर मतलब सब चीज़ है, शेरवानी अंडर गारमेंट सारे चीज सब ब्रांड में है, टी शर्ट भी सब वो है और राउंड में टी शर्ट है, गोल गला में टी शर्ट है, सभी तरह तरह का ब्रांड है। और सबसे अच्छा ये है कि हम ऑफर देते रहते हैं अभी मोस्टली। ब्रेक के बाद एक बार फिर आप सभी दर्शकों का स्वागत है, अब बढ़ते हैं आगे की खबरों की। आमगोला निजी होटल के सभागार में संपूर्ण वैश्य समाज की अहम बैठक की गई। संपूर्ण वैश्य समाज की तरफ से रविवार को आमगोला स्थित एक निजी होटल के सभागार में तिरहुत प्रमंडल स्तरीय एक दिवसीय बैठक का आयोजन हुआ, जिसमें सर्वसम्मति से वैश्य समाज के लोगों ने 2025 में मुख्यमंत्री बनाने का संकल्प लिया। इस बैठक में अगला मुख्यमंत्री वैश्य समाज से हो, इसकी रणनीति तैयार की गई है। बैठक में मुख्यमंत्री का मुद्दा गर्म रहा। इस अवसर पर प्रदेश अध्यक्ष ने कहा कि बिहार में वैश्य समाज के लोगों की 35% आबादी है, लेकिन सभी राजनीतिक पार्टियां वैश्य समाज को अनदेखा करती है। वैश्य समाज के लोगों को उनका हक नहीं मिल रहा है। हमारा संगठन लगातार यह प्रयास कर रहा है कि 2025 में वैश्य पुत्र ही बिहार का मुख्यमंत्री बने। इसकी तैयारी को लेकर हमारा संगठन बूथ स्तर पर सदस्यता अभियान चला रही है। देखिए आज जो तिरहुत प्रमंडलीय स्तर का जो संपूर्ण वैश्य समाज को जो मीटिंग चल रही है, आज का मीटिंग का पूरी बिहार को यही मैं बताना चाहता हूँ, पूरी बिहार की वैश्य समाज को और पूरी बिहार की आम जनता को बताना चाह रहा हूँ कि बिहार में वैश्य समाज की संख्या 35% हम लोग हैं और हम लोग राजनीति में पूरी नगण्य है, हमारी हकदार कोई नहीं दे रहा है। अब संपूर्ण वैश्य समाज के एक एक वैश्य पुत्र जाग चुका है, संघर्ष करने के लिए तैयार है। मिशन 2025 का विधानसभा में बिहार का मुख्यमंत्री कोई बने तो वैश्य पुत्र बने, उस मिशन पर संपूर्ण वैश्य समाज काम कर रही है कि अगला मुख्यमंत्री वैश्य पुत्र बने। किस तरह का रणनीति तैयार कर रहे हैं आप लोग? सर हमारी रणनीति पूरी पंचायत स्तर वार्ड तक से हमारी रणनीति चल रही है, घर घर चलो अभियान चल रही है, सदस्यता अभियान चल रही है संपूर्ण वैश्य समाज का। अभी हम लोग पटना में भी मार्च में वैश्य स्वाभिमान बचाओ के नाम पे हम लोग रैली करने वाले हैं, जो कि वैश्य समाज के साथ बहुत स्वाभिमान के साथ खेला जा रहा है। उस स्वाभिमान को बचाने के लिए पटना में महारैली का भी आयोजन किया जाएगा और मिशन 2025 बिहार का मुख्यमंत्री वैश्य पुत्र बने, आज का इस कार्यक्रम के उद्देश्य से पूरी बिहार में यह संदेश एक एक बिहार की जनता तक से मैं पहुंचाना चाह रहा हूं। हर चुनाव से पहले आप लोग का यही मंत्र रहता है, चुनाव के बाद फिर वही स्थिति, आप लोग बस वोट बैंक बंद कर रह गए हैं, क्या करना लगता है? नहीं नहीं, जो पहले क्या हो रहा था उससे मुझको मालूम नहीं है, लेकिन मैं हम लोगों ने संकल्प ले लिए हैं कि 2025 का विधानसभा चुनाव बिहार का मुख्यमंत्री हो तो वैश्य पुत्र हो, इस मिशन पर संपूर्ण वैश्य समाज काम कर रही है। जो बिहार में जितना वैश्य समाज के साथ जो शोषण अत्याचार हो रही है, ये बहुत ही दुर्भाग्य है। चाहे किसी की भी सरकार है, अपने वैश्य बंदियों को सुरक्षित रखने के लिए, हत्या से रोकने के लिए बिहार की सत्ता में आना बहुत ज़रूरी है। हमने पिछली सरकार से वर्तमान सरकार से भी मैं मांग किया हूँ कि वैश्य सुरक्षा आयोग कानून बनाए, अगर ये सरकार कानून नहीं बनाती है तो जो 2025 में हम लोग सत्ता में आएंगे बिहार का। शनिवार की देर रात हुई भारी बारिश में मुजफ्फरपुर स्मार्ट सिटी को पानी पानी कर दिया। शहर में बीती रात हुई बारिश ने नगर निगम के दावों की पोल खोल दी है। मोतीझील कल्याणी छोड़कर बाकी शहर के कई हिस्से पानी पानी हो गए हैं। थोड़ी देर की बारिश ने आम जीवन को अस्त व्यस्त कर दिया है। हालांकि नगर निगम का यह दावा था कि इस वर्ष शहर में जल जमाव नहीं होगा, इसके लिए करोड़ों रुपए खर्च कर फर्दो नाला की उड़ाही की गई, नए तरीके से नाला निर्माण कराया गया जो अभी अधूरा ही है। नगर निगम लगातार दावा कर रहा था कि फर्दो नाला के कारण ही शहर में जल जमाव हो रही है, अगर इसकी उड़ाही हो जाए तो शहर में जल जमाव नहीं होगा। लेकिन ठीक इसके उल्टा मोतीझील और कल्याणी छोड़कर शहर के सभी इलाकों में जल जमा हुआ है, जबकि बारिश खत्म हुए 18 घंटे हो गए हैं। आप इन तस्वीरों में देख सकते हैं इस शहर का हर इलाका पानी में डूबा हुआ है, राहगीरों को आने जाने में काफ़ी परेशानी हो रही है। वहीं जल जमाव के कारण शहरवासियों को नाला खुला होने का भी डर सता रहा है। जहां भी नाला खुला हुआ है वहां आम लोगों की सहायता से सावधानी का बोर्ड लगा दिया गया है।
हालांकि इस वर्ष जिले में बारिश नहीं हुई है, तब यह हाल है। अगर बरसात के मौसम में भारी बारिश होती तो पूरा शहर जलमग्न हो जाता, लोगों को घर से बाहर निकलना भी मुश्किल हो जाता। एक दिन की बारिश ने नगर निगम के दावों की पोल खोल दी। कभी भी ईमानदारी पूर्वक काम हुआ ही नहीं, जिसका नज़ारा है कि 2 घंटे की रात की बारिश में पूरा मुजफ्फरपुर जलमग्न हो गया है। नहीं तो इस शहर के उन लोगों का सोच अच्छा है, न निगम का सोच अच्छा है, जिसके कारण लंबा सफ़र तय करें नाला के निर्माण में। कहीं पर अभी देखिएगा कि स्मार्ट सिटी से भी बन रहा है नाला, उसको भी कोई देखने वाला नहीं है। कभी देखिए अगर रोड नीचा है नाला ऊपर है, कहीं नाला ऊपर है कभी रोड नीचा है, आखिर निकासी का मालूम ही नहीं है और नाला पर नाला बन रहा है। और यहाँ अक्सर देखिएगा कि नाला बनता है उसको तोड़ दिया जाता है। तो सबसे पहले तो इस शहर का नाला का निर्माण करने से पहले लेवल का निर्माण हो, यह पानी कहाँ जाएगा पहले उस रास्ता को बनाते हुए यहाँ तक आना चाहिए। लेकिन यहाँ उल्टा होता है, शहर में नाला को बना दिया जाता है, पानी कटोरी में रह जाता है और निकासी ऊँचा हो जाता है। ऐसे परिस्थिति में किसी भी कीमत पर शहर से जल जमाव नहीं ख़त्म होगा। अगर जल जमाव ख़त्म करना है, पर्दों की उड़ाई हुई है, उड़ाही तो शुरू हुई और फिर उसके बाद रुक गई। नहीं, वो तो गई थी, हुई है, मतलब आखिर निकासी तक तो नहीं ना पहुंची। शुरुआत अच्छा हुआ, हम लोगों को भी विश्वास हुआ कि नहीं इस बार फर्दों नाला में मशीन उतरा है पहला बार, तो निश्चित रूप से शहर चमकेगा और नाला का पानी जो है अपने जगह पर निकल के जाएगा, निकासी होगा। लेकिन ऐसा हो ना सका, निगम का वो हाल है। आप देख लीजिए कि जो लोग काम करने वाले थे आज यहाँ से चले गए, उनके जाते ही काम जस के तस रह गया। खेल दिवस को लेकर अखाड़ा घाट रोड स्थित निजी विवाह भवन में रुक्मणी देवी स्विमिंग चैंपियनशिप का आयोजन किया गया। खेल दिवस के अवसर पर रविवार को रुक्मणी देवी स्विमिंग चैंपियनशिप का आयोजन अखाड़ा घाट रोड स्थित स्विम फेस्ट में किया गया। कार्यक्रम का उद्घाटन सांसद अजय निषाद, विधायक विजेंद्र चौधरी सहित अन्य गणमान्य संयुक्त रूप से दीप प्रज्वलित कर किया। स्विमिंग प्रतियोगिता में लगभग 200 प्रतिभागियों ने भाग लिया। प्रतियोगिता 5 वर्ष से लेकर 55 वर्ष तक प्रतिभागियों के बीच कराया गया। वहीं विजेता प्रतिभागियों को जिलाधिकारी प्रणव कुमार के द्वारा मेडल और सर्टिफिकेट देकर सम्मानित किया गया। जी, आज का आयोजन प्रभास जरदा ग्रुप की तरफ से एक छोटा सा आयोजन किया गया है स्वर्गीय श्री रुक्मिणी देवी जी के स्मृति में। एक तरीके का एक छोटा सा स्विमिंग आयोजन है जिसमें हम मुजफ्फरपुर की प्रतिभाओं को निकाल रहे हैं। यहीं से कोशिश हमारी रहेगी कि ये राष्ट्रीय अंतर्राष्ट्रीय लेवल पे अगर हम यहाँ से कुछ कर सकें तो हमारे लिए और मुजफ्फरपुर का नाम भी काफ़ी प्रसिद्ध होगा। कितने पे इसमें भाग लिए छात्र छात्राएं? तकरीबन 100 के आसपास में प्रतियोगी हैं जो कि मुजफ्फरपुर की सभी जगह से आए हैं। आगे भी कुछ कराने के लिए बस कोशिश हमारी यही है। देखिए, शुरुआत तो हमने कर दी है, अब यहाँ से साल दर साल इसको जितना भव्य बना सकते हैं कोशिश हमारी रहेगी इसको करा जाए। नई शिक्षा नीति विषय पर गीता विश्वविद्यालय द्वारा परिचर्चा का आयोजन किया गया जिसमें सैकड़ों शिक्षकों ने हिस्सा लिया। गीता विश्वविद्यालय की तरफ से नई शिक्षा नीति विषय पर रविवार को माड़ीपुर स्थित एक निजी होटल के सभागार में परिचर्चा का आयोजन किया गया। परिचर्चा में शहर के लगभग 200 शिक्षक शामिल हुए। शिक्षकों ने नई शिक्षा नीति पर अपने विचार रखे। शिक्षकों ने परिचर्चा में कहा कि छात्रों को नई शिक्षा नीति समझने की जरूरत है, तभी वो आगे अपना भविष्य उज्जवल बना सकेंगे। सरकार की तरफ से शिक्षा नीति में कई तरह के बदलाव किए गए हैं और इस परिवेश में किस तरह की शिक्षा की आवश्यकता है वह समझना भी अति आवश्यक है। परिचर्चा को संबोधित करते हुए गीता यूनिवर्सिटी के प्रोफेसर चांसलर अंकुश बंसल ने बताया कि 12वीं के बाद विद्यार्थी उनके अभिभावक अक्सर परेशान करते रहते हैं कि क्या कोर्स करें, किस कॉलेज या यूनिवर्सिटी में एडमिशन लें या कैसे वो अपने भविष्य को उज्जवल बना सकते हैं। उन्होंने बताया कि गीता यूनिवर्सिटी क्षेत्र की पहली यूनिवर्सिटी है जो देश की उन अग्रणी यूनिवर्सिटियों में शामिल है जिसने नई एजुकेशन पॉलिसी को लागू किया है। उन्होंने कहा कि नई शिक्षा नीति के तहत छात्र अपने इंटरेस्ट और इंडस्ट्री की जरूरत के अनुसार अपने सब्जेक्ट्स का चयन करेंगे। प्रो चांसलर, गीता यूनिवर्सिटी पानीपत से, दिल्ली एनसीआर से। आज मुजफ्फरपुर के अंदर हमने एक टीचर एसोसिएट मीट का आयोजन किया है। गीता यूनिवर्सिटी जो कि एक गीता ग्रुप ऑफ इंस्टीट्यूशन जो कि 37 साल पुराना ग्रुप है,
जिसके अंदर ऑलरेडी 8,000 बच्चे और 700 से ज़्यादा टीचर्स वहाँ पर काम करते हैं, और 37 साल से प्लेवे से लेकर पोस्ट ग्रेजुएशन तक 2022 तक ये ग्रुप चलता आ रहा है, जिसके अंदर फार्मेसी, इंजीनियरिंग, लॉ, होटल मैनेजमेंट, बीएड, डीएड, एमएड और कई तरह के कोर्सेज चलाए जा रहे थे। और इस बार 2022 के अंदर हरियाणा की गवर्नमेंट ने हरियाणा के अंदर 25th यूनिवर्सिटी गीता यूनिवर्सिटी पानीपत में दी है, और ये 25वीं यूनिवर्सिटी है पानीपत के अंदर, प्राइवेट यूनिवर्सिटी है। उस चीज़ को अवेयर करने के लिए एक आज टीचर एसोसिएट मीट की गई है मुजफ्फरपुर के अंदर, जिसके अंदर पूरे बिहार से सभी टीचर एसोसिएट इसके बारे में जानने के लिए आए हैं कि गीता यूनिवर्सिटी में क्या है। गीता यूनिवर्सिटी में कौन कौन से कोर्स कराए जा रहे हैं? मैं बताना चाहूँगा कि वैसे तो आज हमारे देश के अंदर अराउंड 1,000 यूनिवर्सिटी हैं, जिसमें से अराउंड 300 प्राइवेट यूनिवर्सिटी हैं, और अगर हम कॉलेजेस की बात करें लगभग 60,000 से ज़्यादा हमारे पास पूरे देश के अंदर कॉलेजेस हैं। लेकिन गीता यूनिवर्सिटी हरियाणा की पहली यूनिवर्सिटी है जिसने अभी जो हमारी सेंट्रल गवर्नमेंट सरकार ने नेशनल एजुकेशन पॉलिसी 2020 लागू की है उसको अडोप्ट करने वाली, उसको फुली इम्प्लीमेंट करने वाली पहली यूनिवर्सिटी है। उस चीज़ को मद्देनज़र रखते हुए नेशनल एजुकेशन पॉलिसी को गीता यूनिवर्सिटी के अंदर हर तरह के कोर्सेज, 70 से ज़्यादा कोर्सेज और 12 स्कूल उसके अंदर चलाए जा रहे हैं, चाहे आप इंजीनियरिंग की बात करें, फार्मेसी की बात करें, लॉ की बात करें, होटल मैनेजमेंट, फार्मेसी, फोरेंसिक साइंस, एग्रीकल्चर, भिन्न भिन्न तरह के कोर्सेज, बीएड, डीएड, एमएड, ये सभी कोर्सेज वहाँ पर चलाए जा रहे हैं। अगर फोरेंसिक साइंस की बात करें, अभी हमारे होम मिनिस्टर ने भी कहा कि फोरेंसिक साइंस का आने वाले टाइम में बहुत बूम रहेगा, और मैं आपको बताना चाहूँगा ये सिर्फ कोर्सेज अगर अपने आप में बात करें चला हर कोई कॉलेज रहा है या हर कोई यूनिवर्सिटी चला रही है, लेकिन ये अलग कैसे हैं मैं वो बताना चाहूँगा कि 2020 के अंदर जो नेशनल एजुकेशन पॉलिसी आई है उन्होंने कहा कि आप इसको स्टूडेंट को जो उसकी इच्छा होती है वो किस तरह का प्रोग्राम करना चाहता है, फॉर एग्जाम्पल आज एक बच्चा बिहार का बच्चा इंजीनियरिंग करना चाहता है और उसके पेरेंट्स जो हैं वो कहते हैं कि इसको कुछ और करना चाहिए, नेशनल एजुकेशन पॉलिसी ने कहा कि ये बच्चा जो अपनी इच्छा से जो उसका पैशन है, उसको सिंगिंग का शौक है, वो अगर सिंगर बनना चाहता था, पेरेंट्स ने ज़बरदस्ती उसको इंजीनियरिंग के अंदर डाल दिया, लेकिन नेशनल एजुकेशन पॉलिसी बोलती है कि आप अपनी डिग्री अपनी चॉइस के हिसाब से बना सकते हैं, चॉइस बेस्ड क्रेडिट सिस्टम के हिसाब से उसे बना सकते हैं, जिसके अंदर बच्चा अपना एक पैशन जो है उसका सिंगिंग का, डांसिंग का, फोटोग्राफी का, वो उस कोर्स को भी अपनी इंजीनियरिंग का एक पार्ट बना सकता है। और साथ ही में इंजीनियरिंग के साथ साथ सपोज अगर आज एक बच्चा बीबीए करने लगता है लेकिन कल को उसका मन बनता है कि मैं पहले साल के बाद अब बीकॉम करता हूँ, मेरे लिए बीबीए के अंदर स्कोप नहीं है, तो बच्चा पहले साल छोड़ के सेकेंड ईयर से बीकॉम भी कर सकता है, लेकिन जो उसके सब्जेक्ट रहेंगे बीकॉम के जो फर्स्ट ईयर में जो मैच नहीं करेंगे वो उसको कर सकते हैं। एडमिशन की क्या प्रक्रिया है? एडमिशन हमारे जो यूनिवर्सिटी में है उसके एक तो गट्स एक गीता यूनिवर्सिटी टेस्ट ऑफ स्कॉलरशिप जो यूनिवर्सिटी ने लॉन्च किया है। मारवाड़ी युवा मंच द्वारा स्वास्थ्य के प्रति लोगों को जागरूक करने के लिए साइकिल रैली निकाली गई। अखिल भारतीय मारवाड़ी युवा मंच के द्वारा रविवार को देश भर में 400 जगहों से 2,00,000 से ज्यादा लोगों ने साइकिल रैली निकाली गई। उसी कड़ी में शहर में साइक्लोथॉन रैली का आयोजन समरणालय स्थित सहारा पार्क से SDO पूर्वी ज्ञान प्रकाश के नेतृत्व में निकाली गई। रैली कंपनी बाग से होते हुए सोनार पट्टी, हरिसभा चौक, कल्याणी, जवाहर रोड, सूतापट्टी होते हुए मुजफ्फरपुर क्लब में जाकर समाप्त हुआ। इस साइक्लोथॉन रैली आयोजन में हजारों बच्चों और युवाओं ने भाग लिया। जब रैली निकली तो समा देखने लायक था। वहीं रैली के दौरान जिला प्रशासन के द्वारा माइकिंग के जरिए आम लोगों को वोटर ID कार्ड को आधार नंबर से सेंडिंग करने की अपील की जा रही थी। के अवसर पर आज मारवाड़ी युवा मंच की तरफ से साइकिल के प्रति जागरूकता के लिए आज पूरा टाउन में हम रैली किए हुए हैं, और इसका यही उद्देश्य है कि जो साइकिल चलाने की प्रवृत्ति है आधा घंटा कम से कम साइकिल चलाएंगे तो स्वस्थ रहेंगे, फिट इंडिया एंड फिट इंडिया, और पर्यावरण प्रदूषण भी कम होगा और हेल्थ के प्रति भी सभी लोग जागरूक होंगे। साथ ही साथ हम सभी मतदाताओं से भी अनुरोध कर रहे हैं कि अभी आधार सत्यापन का काम चल रहा है, जो अपना रियल माध्यम से और अपना आधार सत्यापन कराएंगे या हेल्प लाइन ऐप के माध्यम से भी अपना वोटर आधार सत्यापन करा सकते हैं। वहीं लगभग 1 किलोमीटर लंबी रैली का नेतृत्व शाखा के अधीक्षक
कृष्णा कुमार डलोरिया ने किया। इस दौरान उन्होंने कहा कि रैली का उद्देश्य है खेल कूद एवं स्वास्थ्य के प्रति युवाओं को जागरूक करते हुए जागृति लाना। मारवाड़ी युवा मंच, अखिल भारतीय मारवाड़ी युवा मंच के देश में 400 शाखाओं में आज 1.5 लाख साइकिल से स्वास्थ्य के प्रति जागरूक करने के लिए रैली निकाली गई है पूरे भारतवर्ष में। भारत सरकार के फिट इंडिया के तहत भी हम लोगों को उनकी सहभागिता मिली हुई है। हम लोग चाहते हैं कि पूरा देश स्वस्थ रहे, इसलिए जागरूकता रैली निकाली गई। भारत विकास परिषद द्वारा राष्ट्रीय समूह गान प्रतियोगिता का आयोजन किया गया। भारत विकास परिषद की तरफ से रविवार को छाता चौक स्थित एक निजी होटल के सभागार में राष्ट्रीय समूह गान प्रतियोगिता का आयोजन किया गया। इसमें शहर के कई विद्यालयों के छात्रों ने भाग लिया। प्रतियोगिता से पहले संगठन की तरफ से शहर के विद्यालयों में एक प्रतियोगिता कराया गया था, जिसमें से चयनित बच्चों की आज जिला स्तरीय प्रतियोगिता आयोजित की गई। यह प्रतियोगिता चेतना के स्वर पुस्तक पर आधारित है। इसमें 3 भाषाओं में छात्रों को गान प्रस्तुत करना है। हिंदी, संस्कृत और लोकगीत के छात्रों ने अपनी प्रस्तुति दी। इसमें फर्स्ट, सेकंड और थर्ड करने वाले छात्रों को संस्था की तरफ से पुरस्कृत किया गया। साथ ही तीनों भाषाओं में फर्स्ट करने वाले छात्रा को राज्य स्तरीय प्रतियोगिता में भाग लेना है। राज्य स्तरीय प्रतियोगिता में फर्स्ट करने वाला बच्चा फिर राष्ट्रीय स्तर पर प्रतियोगिता में भाग लेगा, जिसे महामहिम राष्ट्रपति के द्वारा सम्मानित किया जाएगा। ये भारत विकास परिषद का राष्ट्रीय समूह गान प्रतियोगिता है, जो शाखा स्तर पे मुजफ्फरपुर शाखा का मैं अध्यक्ष आचार्य विष्णु शर्मा, हम पूरी टीम के साथ यहाँ विभिन्न विद्यालयों में संपर्क करते हुए आज शहर के बहुत प्रमुख प्रमुख विद्यालय यहाँ उपस्थित हैं और सबका टोकन नंबर एक लॉटरी डाला गया है। उस लॉटरी के तहत फर्स्ट, सेकंड, थर्ड जो लोग यहाँ पे शुरुआत करेंगे, तो शुरुआत हो चुकी है कार्यक्रम का। आपने देखा आपके साक्षी में ये जो प्रतिभागी हैं, ये चेतना के स्वर राष्ट्रीय समूह गान प्रतियोगिता की पुस्तिका है, उसके द्वारा राष्ट्रीय स्तर पर पूरे भारतवर्ष में पुस्तिका है, जिसमें हिंदी, संस्कृत और लोकगीत तीनों का समूह है। तीनों में जो फर्स्ट, सेकंड, थर्ड होंगे सभी को हम लोग प्राइज़ देंगे और सभी को मेडल देंगे, सभी को सर्टिफिकेट देंगे सभी प्रतिभागियों को, और जो आज विनर होगा संस्कृत से और हिंदी से, उन दोनों फर्स्ट, सेकंड, थर्ड में जो फर्स्ट विनर होगा वो जिला से प्रांत स्तर पे चुना के जाएगा, प्रांत से रीजनल पे जाएगा, रीजनल से फिर राष्ट्रीय स्तर पे जाएगा, राष्ट्रीय स्तर वाले को महामहिम राष्ट्रपति जी पुरस्कृत करते हैं। ये हमारा सौभाग्य है। इस संस्था में देश के गवर्नर जैसे लोग, कई उच्च न्यायालय के लोग इसके पेट्रॉन हैं और ये लगभग 1 लाख मेंबरों से ऊपर की संस्था है, पूरे भारतवर्ष में ये संस्था है। आज की खबरों का सिलसिला यही होता है समाप्त। मुझे और मेरी न्यूज़ टीम को दीजिए इजाज़त। नमस्कार।